हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सकलेन सर। आई होप आपको फर्स्ट वीडियो जो 1.1 बेस्ड पे थी आपको अच्छी लगी होगी। आप कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो 1.1 में, तो आप उसके नीचे कमेंट करें कि आपकी क्वेश्चंस क्या हैं, वो हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज नंबर 1.2, जो बेस्ड है ग्राफिकल मेथड पे। जी हाँ, फर्स्ट मेथड हमने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर हमारा सेकंड मेथड जो है वो ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होता है और बोर्ड एग्जाम में आता है। जी सही सुन रहे हैं आप, बोर्ड एग्जाम में आता है। या तो आपको ग्राफ बनाने बोलते हैं या तो एक्टिविटी कंप्लीट करने बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसके स्टेप वाइज हम ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.2 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ अ ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए हमें दो टेबल्स दिए हुए हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर हम बॉक्स देख सकते हैं, ये सारे बॉक्स को हमें फिल करना है और ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। तो आइए देखते हैं कि हम ये एक्टिविटीज कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, हमें ये पहला इक्वेशन दिया हुआ है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमें दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। दोनों इक्वेशंस के नीचे दो दो बॉक्स बने हुए हैं। ये बॉक्स का मतलब क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर ग्राफिकल मेथड में हमें करना क्या होता है, हमें x और y की तीन तीन वैल्यू फाइंड करनी होती है, ताकि उन तीन तीन कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पर प्लॉट कर सके और फिर उससे इक्वेशन की एक स्ट्रेट लाइन बना सके। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लीनियर इटसेल्फ फॉर्म्स अ लाइन। जी हाँ, लाइन बनती है इससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन से लाइन बनती है, इसीलिए हम उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एक स्ट्रेट लाइन बनानी है हमें ग्राफ पे। आइए देखते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, उससे हम एक ग्राफ पर स्ट्रेट लाइन कैसे प्लॉट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट एंड सिंपल स्टेप यहाँ पर ये है, स्टेप वन है कि हमें एक टेबल बनाना है, x, y और x, y। यहाँ पर जैसे कि एक टेबल बना हुआ है x, y एंड x, y। फिर उसके आगे हमें तीन तीन पार्टीशंस बनाने हैं, एक दो तीन। y के लिए भी सेम बनेगा और x, y के लिए भी सेम बनेगा। यहाँ पर हम तीन पार्टीशंस क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी मर्जी से अज्यूम करेंगे x की वैल्यू और फिर वो हमें देगा y की वैल्यू। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो एक्टिविटी दी हुई है उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी टेबल बना हुआ है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे हमें फिल करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 3 है। x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इसका मतलब ये है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं x, y यहाँ पे 3.0 लिखा हुआ है, यानी x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू 0 है। यहाँ पर ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं, बट हमें आंसर कैसे आएगा, आइए हम ये देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 जो हमारा इक्वेशन है वो लिखेंगे। यहाँ पर हमने इक्वेशन लिख दिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x की वैल्यू जो है वो हमें 3 दी हुई है, तो यहाँ पर हम x की जगह पर 3 पुट करेंगे। y की वैल्यू क्योंकि हमें अभी नहीं दी हुई है, तो हम y की वैल्यू को एज इट इज छोड़ देंगे और इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे। अब हमें क्योंकि x की वैल्यू दी हुई थी, तो हमें उसी x की वैल्यू से y की वैल्यू फाइंड करनी है। याद रखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसे ही हमें कोई भी एक वेरिएबल का आंसर आ जाता था, तो हम उसे इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके y की वैल्यू लाते थे। यहाँ पर हम वैसे ही सेम कर रहे हैं, हमें x की वैल्यू दी हुई है तो हमने x की वैल्यू पुट कर दी, अब उससे हम y की वैल्यू लाएंगे। तो जब ये 3 प्लस 3 इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, तो वो वहां जाकर के माइनस 3 हो जाएगा, विच विल गिव अस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर 3.0 दिया हुआ है, मतलब आंसर जो है वो y का 0 है और वो करेक्ट है। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं।
x का वैल्यू हमें यहाँ पर अभी नहीं दिया हुआ है, हमें y का वैल्यू दिया हुआ है 5। तो अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे और x का वैल्यू लाएंगे। कैसे होगा वो, लेट्स सी। यहाँ पर हम वापस से इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, हमने इक्वेशन वापस से लिख दिया। अब हमें देखना है कि हमें कौन सी वैल्यू दी हुई है, हमें y की वैल्यू दी हुई है 5, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू 5 पुट करेंगे। x हमें नहीं पता है तो x एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर 3 जो है वो इक्वेशन में पहले से है तो वो एज इट इज। अब ये प्लस 5 जो है वो वहां पर जाकर के माइनस 5 हो जाएगा, दिस विल बिकम x इज इक्वल टू 3 माइनस 5। अब याद रखिए कि 3 यहाँ पर पहले से है और 5 वहां जा रहा है, तो 5 हम बाद में लिखेंगे। बहुत सारी गलतियां हम करते हैं कि माइनस 5 पहले लिख देते हैं या सिर्फ 5 पहले लिख देंगे और फिर माइनस 3 लिखेंगे। याद रखिए कि LHS में 3 ऑलरेडी वहां था, तो हम उसे वापस से जब लिखेंगे तो पहले ही लिखेंगे, और फिर जब राइट हैंड साइड से जा रहा है वहां पर तो हम वहां पर उसे बाद में लिखेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से प्लस 5 जो है वो उस तरफ जा रहा है, तो इसलिए वो बाद में लिखा हुआ है माइनस 5। अब यहाँ पर 3 माइनस 5 विल गिव अस माइनस 2। तो यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि जब y की वैल्यू 5 होगी तो x की वैल्यू विल बी माइनस 2। तो यहाँ पर x कॉमा y क्या आएगा, x इज माइनस 2 एंड y इज 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 2 कॉमा 5। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में हमें y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और x का बॉक्स जो है वो खाली है। अगेन यहाँ पर हमें x कॉमा y की वैल्यू दी हुई है 0.3। इसका मतलब क्या है कि x जो है वो 0 है और y जो है वो 3 है, बट लेट्स फाइंड आउट कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पर हम इक्वेशन वापस से लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 3, फिर उसके बाद हमें x की वैल्यू नहीं दी हुई है तो x एज इट इज रहेगा, y की वैल्यू हमें 3 दी हुई है तो यहाँ पर हम प्लस 3 लिखेंगे। अब ये प्लस 3 वहां जाकर के माइनस 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 विच विल गिव अस x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हमें x इज इक्वल टू 2 0 की वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू सही है। दिस कंप्लीट्स अवर फर्स्ट स्टेप। इसी तरह हमें सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है इसके लिए हम सेपरेट बॉक्स बनाएंगे, सेम प्रोसीजर x y एंड x कॉमा y। x की हमें 3 वैल्यू फाइंड करनी है, y की हमें 3 वैल्यू फाइंड करनी है और फिर उन्हें हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। यहाँ पर हमें y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, मतलब हमें इक्वेशन में y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0। तो हम यहाँ पर देखेंगे x माइनस y इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन है। यहाँ पर y की वैल्यू क्या दी हुई है, 0, तो हम x एज इट इज लिखेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इज इक्वल टू 4। तो ये 0 जो है वो कुछ सेंस नहीं बना रहा है, उसे हम वहां पर लेकर जाएंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम उसे सीधा सीधा एलिमिनेट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 4 है हमारा आंसर, मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4, और x कॉमा y में 4.0। नेक्स्ट इज यहाँ पर हमें x की वैल्यू जो है वो माइनस 1 दी हुई है, y की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि इक्वेशन में हम जब x की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो y की हमें क्या वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पर हम x माइनस y इज इक्वल टू 4 जो हमारा गिवन इक्वेशन है उसे वापस लिखेंगे, फिर x इज इक्वल टू माइनस 1 क्योंकि दिया हुआ है तो हम यहाँ पर x की जगह पर माइनस 1 डालेंगे, माइनस y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स की बहुत सारी गलतियां होती हैं। सबसे पहला मिस्टेक जो हम यहाँ पर करते हैं कि ये माइनस 1 है तो वहां जाकर के वो प्लस 1 हो जाएगा, तो दैट विल बिकम 4+1। ये सिंपल था, बट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हम सिर्फ y लिखते हैं जो कि आंसर को गलत कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y की साइन माइनस है तो वो अपने साइन के साथ वहां रुकेगा, दैट विल बिकम माइनस y इज इक्वल टू जो भी है आंसर। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर जब ये माइनस 1 वहां जाएगा
तो डेट विल बिकम 4 + 1। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या लेफ्ट आउट है, माइनस वाई लेफ्ट आउट है। तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस वाई इज इक्वल टू 4 + 1। अब याद रखिए कि माइनस वाई इज इक्वल टू 4 + 1 इज 5। तो यहां पर ये माइनस की साइन जो है उसे हमें हटाना है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 5 जो ये इक्वेशन है हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5। हमने पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस वाई एंड दिस विल बिकम माइनस 5। तो यहां पर हमारी y की वैल्यू जो है वो माइनस 5 है। तो यहां पर हम लिखेंगे -1, -5। दिस इज अवर सेकेंड टेबल विच कंप्लीट्स द आंसर। यहां पर हमें वैल्यू पहले से 0, -4 दी हुई थी, तो यहां पर हमें कुछ भी फाइंड करने की जरूरत नहीं थी। दिस वॉज अवर फर्स्ट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इक्वेशंस दिए रहेंगे, बॉक्सेस हमें खुद बनाने हैं। आइए देखते हैं वो कैसे सॉल्व।